फिनिंग व्यूअर्स, तो मैं अभिजीत हूँ और आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले तीन ऐसे मेजर न्यूज़ के बारे में जो मार्केट पे इम्पैक्ट डालने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो वो न्यूज़ अगर आपको पता नहीं है तो वीडियो को इन तक देखना, और अगर पता है, वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बताना आपको क्या पता था इसके बारे में, या फुल्ली डिटेल्ड पता है या नहीं है। तो चलिए पहले न्यूज़ के ऊपर आगे बढ़ते हैं। पहला न्यूज आप देख सकते हो, लुपिन का जो शेयर था आज सडनली 10% तक का जंप देखने को मिला था। और इसका रीजन से EIR मिल चुका है USFDA से। EIR मतलब एस्टेब्लिश इंस्पेक्शन रिपोर्ट, वो मिल गया है जो का उसका गोवा का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, वहाँ पर कुछ सिलसिला चल रहा था लास्ट कुछ मंथ से, जो फाइनली ख़त्म हुआ है और EIR रिपोर्ट मिल चुका है। अब आने वाले दिनों में इसका जो बिजनेस है, रेवेन्यू है, वो ग्रो होगा इन US मार्केट में भी। तो उसके वजह से ये स्टॉक्स आज एक बढ़िया जंप देखने को मिला था शेयर में, और आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है बहुत ही अच्छा रैली। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिए, स्टॉक्स के बारे में रिसर्च कीजिए और एंट्री भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं गाइज। गाइज जो सेकेंड बिग न्यूज़ है वो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल कंपनी के लिए है, और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डील मिल चुका है लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि रिबुक कंपनी के साथ है। अब रिबुक कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है आदित्य बिरला, और ये ई कॉमर्स, रिटेल, ऑनलाइन, ऑफलाइन सब तरीके से ये बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। नॉट ओनली इन इंडिया, एशियन कंट्रीज़ में भी ये अभी आदित्य बिरला फैशन इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया बहुत ज़्यादा क्विक ग्रो हो रहा है स्पोर्ट्स एंड एक्टिव वेयर सेगमेंट में, और रिबुक के साथ ये डील आदित्य बिरला को एक नए ऊँचाई के मौकाम तक लेके जा सकता है गाइज। और जी थर्ड न्यूज़ है अदानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा डील हुआ है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, जो कि सप्लाई करने वाला है 4,665 मेगावाट का ग्रीन पावर। और ये जो डील हुआ है कि अभी तक अगर बोला जाए तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल पावर परचेस एग्रीमेंट है गाइस, और ये कोई छोटा मोटा डील नहीं, और इसके बदलत अदानी ग्रीन एनर्जी पे एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। और आप अपने अकॉर्डिंग रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, और उसके बाद देखिए कि क्या लगता है इन स्टॉक्स के बारे में। ये तीनों के तीनों स्टॉक्स में बड़ा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि न्यूज़ बहुत ही बड़ा है गाइस। आज के लिए इतना ही, ये तीन न्यूज़ पे आपको फोकस करना है और आप अपना स्टडी कीजिए इन तीनों कंपनीज़ के ऊपर। और उसके साथ साथ मैं एक और कंपनीज़ बोलूँगा जिसको आप स्टडी करना कल के लिए कि कल क्या होता है, और ये है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। गाइज इसका नया IPO आया है रिसेंटली, और आज ही के दिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इस पर बल्क पे डील किया है। तो क्या कल एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है आनंद राठी पे या नहीं, ये कल जान ही जाएंगे। तो फोकस बिल्कुल रखना है स्टॉक्स पे भी। एनीवे थैंक यू सो मच गाइज, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।